2016 के इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में संशोधन के लिए 5 जून को एक अध्यादेश लाया गया है। 2016 के कोड का मकसद कंपनियों और लोगों की इंसॉल्वेंसी को एक तय समय सीमा में हल करना है, जिसके लिए इस कोड में एक प्रोसेस दिया गया है। इंसॉल्वेंसी वो स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपना बकाया कर्ज नहीं चुका पाते। 2020 का अध्यादेश कुछ कंपनियों को इस कोड के प्रावधान से छूट देता है कि उनके खिलाफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को शुरू नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की शुरुआत कैसे की जा सकती है। जब डिफॉल्ट होता है तो कंपनी के क्रेडिटर्स या कंपनी खुद इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को शुरू करने के लिए NCLT में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मंजूर होने पर क्रेडिटर्स की एक कमेटी बनाई जाती है, जिसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स शामिल होते हैं। ये कमेटी एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को नियुक्त करती है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रेजोल्यूशन प्रोसेस को मैनेज करता है और कमेटी के सामने एक रेजोल्यूशन प्लान रखता है। रेजोल्यूशन प्लान मंजूर होने के बाद रेजोल्यूशन प्रोसेस को 180 दिनों में पूरा होना चाहिए। इस समय सीमा को 90 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अब अध्यादेश ने इस कोड में क्या बदलाव किए हैं? अध्यादेश ने यह किया है कि कुछ कंपनियों को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से छूट दी है। अध्यादेश कहता है कि अगर 25 मार्च 2020 के बाद 6 महीनों तक कोई डिफॉल्ट हुआ है तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए इस समय सीमा को 1 साल कर सकती है। अध्यादेश कहता है कि इस दौरान होने वाले डिफॉल्ट के लिए कभी भी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। इसके अलावा अध्यादेश कहता है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल NCLT में यह आवेदन नहीं कर सकता कि ऐसी कंपनियों के पार्टनर्स या डायरेक्टर्स को कंपनी के एसेट में योगदान देने को कहा जाए।